Ah <laughs> य कृष्णप्रेमप्रलयत् कृष्णाय कृष्णचेतन्यमे गौरकृष्ण जय श्रीकृष्णचेतन्य प्रभु नित्य

माओ विष्णु पदाया कृष्ण पृष्टाया भूतले श्री मद्भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्यारे भाइयों और बहनों बाल व बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम गुरु कृपा से गौरांग कृपा से कृष्ण कृपा से गीता का दूसरा अध्यार्य बाईसवा श्लोक ले रहे हैं इस श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं कृपया आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए वा यथा विघाया नानी ग्रहनाति नरो परानी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्य संयाति नवानी देही जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक सुकृत तथ्य है आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बद्ध हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारे जो बेसमझ लोग हैं जो इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वह आत्मा को मानने के लिए तैयार नहीं होते ये उनकी बहुत बड़ी भूल है देखिए हमारे शरीर का परिवर्तन होता है जैसे हमारे गुरुदेव भाई बता रहे थे बाल्यकाल से यौन बस्ता यौ उन बस से वृद्धावस्था शरीर का परिवर्तन हो रहा है लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता एक व्यक्ति अगर युगल किशोर नाम का है जब वो पांच महीने का था तब भी युगल किशोर पांच साल का भी युगल किशोर पंद्रह साल का भी युगल किशोर पच्चीस साल का भी युगल किशोर पचास तो साल का भी युगल किशोर और पचपन साल का या साठ साल का युगल किशोर नहीं बदल रहा लेकिन युगल किशोर का शरीर बदल रहा है वो क्या चीज है जो नहीं बदल रही है वह जीवात्मा है तो हम वही जीवात्मा है लेकिन आज हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आकर के उस आत्मा को भूल गए हैं लेकिन हमारा संदेश क्या है इस ये जो आप कार्यक्रम देखते हैं आत्मा कार्यक्रम इसका संदेश क्या है कि हम जीवात्मा हैं हमारा संबंध परमात्मा से है हमारा संबंध शरीर से संसार से परिवार से नहीं है यह समझना बड़ा आवश्यक है मेरे प्यारे भाई और बहनों हम सब मनुष्य हैं हमें भगवान ने विकसित चेतना दे रखी है जिसे अंग्रेजी में डेवलप इंटेलिजेंस कहते हैं ये बुद्धि जो भगवान ने हमें दे रखी है ये केवल खाने पीने सोने या इंद्रियों के तर्पण करने के लिए नहीं है ये जो बुद्धि हमें भगवान ने दे रखी है ये आत्मा को समझने के लिए है अभी देखो कि जैसे हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं पर ये चर्चा पशुओं से नहीं हो सकती पशु पक्षियों को बुलाओ भाई हम आपसे आत्मा के विषय में चर्चा करना चाहते हैं जबकि है वो भी आत्मा पशु भी आत्मा है लेकिन उनसे यह चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि उनके जो शरीर है उनकी बुद्धि सीमित है उनकी बुद्धि जो है वो विकसित नहीं है उनकी बुद्धि सीमित कहां तक है खाने पीने सोने और इंद्रियों का तर्पण करने तक है, बताया है श्लोक आता है आहार निद्रा भयच सामान्य वेता पशु तेषा अधिको विशेषा धर्मे ना पशु समान खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना यह मनुष्य पशु में एक समान है हम खाते हैं पशु खाता है हम सोते हैं पशु सोता है हम इंद्रियों का तर्पण करते हैं पशु करता है हम अपनी रक्षा करते हैं पशु भी अपनी रक्षा करते हैं अंतर क्या है अंतर बताता है शास्त्र धर्मों की दिशा मनुष्य और पशु मंत्र केवल इतना है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है और जो धर्म का पालन नहीं कर सकता वो पशु के समान है शास्त्र तो ये कहता है लेकिन मैं ये दृष्टता यहां करता हूं कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो पशु के समान नहीं है शास्त्र का मैं विरोध कर रहा हूं क्यों वो पशु के समान नहीं है मैं क्या कहता हूं वो पशु से भी नीचे है आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कैसे देखो प्रकृति के प्रबंध से चौरासी लाख योनियों में से चक्कर लगाने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे तीसरे चौथे पांच में ऐसे प्रमुन शरीर में आएगी आत्मा पशु पक्षी के शरीर में प्रगति कर रही है उन्नति कर रही है लेकिन हम इस शरीर में आए हैं हमारा पता क्या काम है ईश्वर को पा करके हमें अपने घर को जाना बैक होम बैक टू गॉड हेड भगवान की ओर मुड़ना है हम भगवान की ओर ना मुड़ करके अपने घर को वापस ना जाकर के क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं खाने पीने सोने में लगे हुए हैं तो हम लोग उन्नति ना करके अवनति करते हैं हम बजाय आगे जाने के पीछे जाते हैं फिर से हम चुरासी के चक्र में चले जाते हैं जो आत्मा पशु पक्षी के शरीर में है वो से मनुष्य शरीर में आएगी और हम मनुष्य शरीर में आए हुए फिर से पशु शरीर में चले जाएंगे पद्म प्राण तो कहता है कि वो पशु के समान है लेकिन वो पशु के समान नहीं पशु से भी क्या गुजरा है पशु की आत्मा प्रगति कर रही है और हम लोग प्रगति ना करके उन्नति ना करके हम लोग पीछे को जा रहे हैं मेरे ख्याल में आप सब मेरे साथ सहमत होंगे प्यारे भाई और बहनों हम लोगों को जैसे जैसे हमारी आयु बीती जा रही है हमें प्रगति करनी है यानी कि आध्यात्मिक पद में अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना है कृष्ण भावना कृष्ण चेतना हम सबके हृदयों में है वो भी सुषुप्त अवस्था में है उसको आगे बढ़ाना है उसको जागृत करना है ये जो भक्ति का मार्ग है जो परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया है बड़ी कृपा करके भगवान ने गीता में बताया है भक्ति का मार्ग भगवान कहते हैं मनमना बदभक्तो मध्या नमस्करु मा मे वैश्य युक्ता वे मत मानम मत परायना मेरे भक्त बनो मेरे प्राइन हो जाओ मेरे लिए सब कुछ करो अन्यत्र भगवान कहते हैं यत करोशी यद यज्ज हो दासी यद यत यत् तपस्यासी कौनतया तत्कुरशम मदर्पणम हे कुंती पुत्र तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर मेरे को अर्पण कर अपने लिए कुछ मत कर अगर हम अपने लिए करेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे ये बड़े समझने की बात है यज्ञार्थ कर्मनो अन्यत्र कर्म लोको वंदना बंदना यज्ञ वे विष्णु यज्ञ भगवान का नाम है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है वही कर्म ठीक है अन्यत्र कर्म हमको बंधन में डाल देते हैं तो अगर हम अपने अंदर झांक के देखें हमारे कर्म कैसे आज हमारे कर्म आज बंधन वाले हैं हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों हम लोगों ने अपने आप को बंधन में नहीं रखना बंधन मुक्त होना है तो जैसा कि हम पहले भी आपको कहते आए हैं बंधन मुक्त हमें भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं कृष्ण भगवान हमको बंधन मुक्त कर सकते हैं कृष्ण जो हैं सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान हैं और कृष्ण ही भगवान है ना किसी ने आज तक अपने को भगवान कहा है और ना कोई भगवान है कृष्ण ही भगवान है आप देखिए बाकी जो आ, मत हुए धर्म हुए उनके जो बड़े हुए उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा क्योंकि वो भी महान पुरुष थे अभी देखो जो इस्लाम धर्म के इस्लाम मत के बड़े मोहम्मद साहब उन्होंने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूं उन्होंने बोला मैं खुदा का मैसेंजर हूं उनका पैगंबर हूं उनका मैं संदेश लेके आया हूं ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने भी ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूं उसने बोला मैं भगवान का बेटा हूं सन ऑफ गॉड तो हमें ये जो महान आत्माएं हैं हमारे गुरु महाराज हमारे धर्म में सभी का कर सम्मान करना बताया है मोहम्मद साहब बड़े महान थे जीसस क्राइस्ट बड़े महान थे उन लोगों को अच्छा रास्ता बताया लोग उस समय बेचारे थोड़े भटके हुए थे लेकिन इन दो महान आत्माओं ने उनको अच्छे रस्ते पर चलाया हमारे गुरु महाराज प्रभुपा जी कहते हैं मोहम्मद साहब और जीसस क्राइस्ट हमारे गुरु हैं क्योंकि वो हमें अच्छा रास्ता बता रहे हैं तो किसी ने भगवान कहा ही नहीं क्योंकि कोई भगवान है ही नहीं भगवान केवल कृष्ण है कृष्ण भगवान ने कहा नहीं मैं भगवान हूं उन्होंने सिद्ध किया अपने आप को मैं कैसे भगवान हूं अब देखो कि भारत में एक कमी आ गई है हमारे गुरु महाराज कहते थे जैसे अमेरिका में हर सप्ताह कार का नया मॉडल बनता है हर सप्ताह लोग एक साल काल को इस्तेमाल करके फिर नई कार ले लेते हैं तो बोला भारत में भी एक गुण है यहां भी हर सप्ताह भगवान पैदा होता है ये कहने के भगवान बड़े सस्ते हैं भगवान को कहने से नहीं बनता भगवान स्वयं बने हुए हैं कृष्ण जब तीन मास के हैं तब भी भगवान है तीन वर्ष के हैं तब भी भगवान के हैं भगवान है सोलह वर्ष के हैं तब भी भगवान है तो कृष्ण ही भगवान है मैंने आपको पहले भी बताया है कृष्ण भगवान ने अपनी सुंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा जो राक्षस वृत्ति है जो भोगिलास में पड़े हुए हैं वो भगवान को मारना उनकी वृत्ति ये है कि वो भगवान को मारे लेकिन भगवान को कोई नहीं मार सकता तो कृष्ण ही भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो ऐसे जो भगवान हैं, उनको हमने जानना है उनको हमें समझना है ये जो विकसित चेतना ये जो विकसित बुद्धि भगवान ने हमको दे रखी है जो चौरासी लाख योनियों में है विकसित नहीं है बुद्धि है पर विकसित नहीं है ये जो विकसित बुद्धि हमें मिली है इसे हमें अच्छे काम के लिए यानी कि कृष्ण को जानने के लिए इसका उपयोग करना है इसका उपयोग और किसी काम के लिए हमने नहीं करना खाने पीने सोने के लिए नहीं करना देखो पशु पक्षी भी खाते पीते सोते हैं बड़े निपुण है वो अपना खाना ढूंढ लेंगे हैं वो सोते भी हैं इंद्रियों का तर्पण भी करते हैं अपनी रक्षा भी करते हैं कई बार आज हम लोग इतने बिमूड हो चुके हैं किसी को कहो तुम भक्ति करो भगवान के शरण में आओ कृष्ण को जानो आत्मा परमात्मा को पहचानो लोग पता क्या कहते हैं मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है मैं बस अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से करता हूं मेरे परिवार का मुझसे प्रेम है मुझे परिवार से प्रेम है मैं इसी में संतुष्ट हूं मैं इसे आगे नहीं बढ़ना चाहता तो शास्त्र क्या कहता है अरे भाई वाघ टाइगर टाइगर जो है ना बड़ा हिंसक पशु है बड़ा हिंसक है कैसे पशु सारे हिंसक ही है। नहीं शेर जो है ना वो शिकार कब करता है जब उसे भूख लगे लेकिन टाइगर जो है वाघ जो है बिना मतलब के भी शिकार कर लेता है कोई अगले छोटा पशु उसके पास है गुजरा उसको मार देगा उसका स्वभाव है मार के खाएगा नहीं छोड़ देगा दूसरे पशु आके खाएंगे वो वाघ जो है ना कितना हिंसक पशु है उसका भी परिवार है उसके भी बच्चे हैं उसकी पत्नी है उसने भी घर बना रखा है चाहे जैसे भी है खोद के जमीन के अंदर वो रहता है वो जो पशु है वो जब घर में आता है उसके बच्चे हैं बच्चे उसके उससे खेलते हैं कभी ऊपर चढ़ते हैं उसके कभी वो अपनी पूंछ को हिलाता है बच्चों को चाटता है बच्चों को नहीं खाता अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है उनका पालन करता है तो शास्त्र कहता है अरे भैया मनुष्य शरीर में आकर के अगर तूने परिवार का पालन किया तो एक बड़े हिस्से पशु में भी ये है वो भी अपने परिवार से बड़ा प्रेम करता है अच्छा उनका पालन करता है बाकी जानवरों को खाएगा बच्चों को नहीं खाएगा तो क्या किया हमने मनुष्य शरीर में आकर के क्या किया मनुष्य शरीर में आकर के हमें भक्ति करनी है मनुष्य शरीर में आकर के अपने आप को हमने श्री कृष्ण की तरफ मोड़ना है और भगवान ने इस श्लोक में यही बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है वहां सासी जीर्णानी यथा विहिया नवानि ग्रहणाति नरोपराणी पता, शरीर, हाँ अन्यानी, नवानी था शरीरानी विहान जीर्णानी देखी बड़ी समझने की बात है हम लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं इसलिए शरीर के सुख दुख में पड़ गए हैं लेकिन याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों यह शरीर छोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों नरसों दस साल बीस साल पचास साल साठ साल सत्तर साल अस्सी साल सौ साल ले लो सौ साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा सब साफ होंगे नई जनरेशन होगी सौ साल के बाद नए लोग होंगे आज की तिथि में जो है सौ साल के बाद नहीं होगा कोई भी हो सकता है कहीं को पूरे संसार में को एक आध जिसकी उम्र सौ साल से ज्यादा हो जाए तो हो सकता है पर प्राय हम लोग चले जाएंगे चले हम सब जाएंगे लेकिन जाने से पहले हमने सोचा मैं कहां जा रहा हूं जाने से पहले मैंने विचार किया वो हम नहीं कर क्यों हम खो गए हैं किसमें खाने पीने और सोने में नहीं प्यारे भाई और बहनों जागो आंखें खोलो जैसे हमारे भगवान कली अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया चीरा को ले जीव जाग वो जीव जाग तो कब तक पिशाची माया के गोद में सोया रहेगा जाग आंखें खोल, हम लोगों को जागना है संदेश यही है कि हम लोग जागे आत्मा को पहचाने परमात्मा को पहचाने इसी में हमारा कल्याण है अनुमात्मा का दूसरे शरीरों में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है देखो इस शरीर में दो आत्मा है एक जीवात्मा एक परमात्मा एक अनु आत्मा एक परमात्मा तो परमात्मा हमारे साथ हर योनि में साथ चल रहे हैं भगवान यही तो कह रही हैं गीता में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयी अर्जुन तिष्ट थी ब्रह्मेन्द सर्वभूता यंत्र रूढ़ाणी भगवान कहते हैं कि मैं हर आत्मा के साथ उसके साथ चलता हूं आत्मा जब किसी भी शरीर में जाती है मैं उसके साथ रहता हूं यह भगवान की कृपा है यह कृष्ण की कृपा है कि कृष्ण हमारे साथ हर योनि में साथ रहते हैं और ऐसा बताया है भगवान हमारे साथ कैसे रहते हैं जैसे दो आत्माएं एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं एक पंछी वृक्ष के फल को खाने में लगा हुआ है और दूसरा पंछी उस फल खाने वाले पंछी को देख रहा है वो फल खाने वाला पंछी जो है वो फल खाने में इतना व्यस्त है उसका मित्र जो उसके पास बैठा है उसके तरफ देखता ही नहीं वो कितनी भूल है उसकी तो परमात्मा अभी फल खाने का अर्थ है हमें जो भोग व्यास में भरे हुए हैं ना सुख भोगने को इसलिए इसलिएमात्मा जो हमारे साथ उनकी तरफ देख नहीं रहे हम हमने ये जो सुख भोग है इनको कम करना है क्योंकि ये शरीर के स्तर पर है और हम जीवात्मा है कई लोग ये भी कहते हैं जब शरीर का नाश हो गया सब कुछ समाप्त हो गया ऐसा नहीं है शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता भगवान ये कहते हैं कि नई नम सिद्धांति शस्त्रणी धोती पावका, चैनियम कल जन त्यापो ना जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकता आग जला नहीं सकती पानी गीला नहीं कर सकता हवा सुखा नहीं सकती वो जीवात्मा हमारा स्वरूप है वो जीवात्मा जो है वही परमात्मा का विषय है उसी आत्मा के स्तर पर हमने आना है परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह तो करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे कि इच्छा पूर्ति करता है दोनों मित्र है ना आत्मा परमात्मा तो जीव आत्मा इच्छाएं करती है ये चाहिए परमात्मा मित्र की तरह उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं लेकिन याद रखो मेरे प्यारे भाई और बहनों हमने कुछ इच्छा नहीं करनी जो हमारी प्रारब्ध में होगा जो हमारे भाग्य में होगा मिलेगा मिलेगा मुकद्दर मुकद्दर का मिलेगा जैसे दुख बिना चाहे आया है ऐसे सुख भी बिना चाहे आएगा हम लोगों को सुख को चाहने की इच्छा नहीं करनी अगर कदर में होगा भाग्य में होगा तो आएगा हमने इच्छा यही करनी है कि हे कृष्ण मैं कैसे आपका मिलू मुझे आपकी प्राप्ति कैसे हो यह इच्छा करनी और देखो हमारे भगवान एक बड़े विचारने की बात है भगवान सर्वगुण संपन्न है बहुत सारे गुण उनमें है लेकिन एक गुण भगवान का क्या है वह स्वतंत्र है तो हम भी उनके अंश हैं उन्हीं के संतान हैं तो वही गुण भगवान ने हमें भी दे रखा है पर थोड़ी मकदार में हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हम लोग दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने के कारण हम लोग दुखी होते हैं इस भूल का सुधार करें हम सभी हमें जो थोड़ी स्वतंत्रता भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग ना करें उसका दुरुपयोग क्या है हम इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बुराइयां कर रहे हैं झूठ बोलते हैं वे विचार करते हैं जुगा खेलते हैं मांसाहार करते हैं नहीं अरे भाई ये सब कुछ नश्वर है श्री नश्वर है इस नश्वर शरीर के लिए हम क्यों ऐसे काम करें ऐसा करना चाह तो भगवान अगर हम हाँ मान लो कोई बुरे काम की इच्छा करेंगे ना गुरु महाराज बताते थे, थे प्रभु खूब मांस खाऊं भगवान कहते हैं भाई इस शरीर की क्या जरूरत है तेरे को मैं ऐसा शरीर दे देता हूं जहां मांस ही खाना है यहां तुम ताजा खून पियो रोज वाघ का शरीर दे देंगे भगवान वाघ रोज ताजा खून पीता है पशुओं को मारकर अगर हमने हाँ इच्छा की ओ मैं जो कुछ भी आएगा वही खाऊंगा तो भगवान कहते हैं मनुष्य की क्या आवश्यकता है सूअर के शरीर में जाओ सूर के आगे जो आएगा उसी को खा जाएगा सब कुछ खाता है किसी ने इच्छा की मैं बहुत खाऊंगा तो भगवान कहते हैं पर हाथी के शरीर में जाओ दो मन रोज का खाओ नहीं कोई इच्छा नहीं करनी है। इच्छाएं बहुत है जब तक मन शुद्ध नहीं होता तो गंदी इच्छा इसमें बनी हुई है बहुत इच्छाएं बनी हुई हैं वो इच्छाओं का त्याग करना आग yeah, इच्छाओं का कैसे होगा जब हम उच्च श्रेणी का कार्य करेंगे यानी कि उच्च श्रेणी का कार्य है कृष्ण भक्ति जब कृष्ण भक्ति में मन को लगाया जाएगा तो यह बाकी कार्य निम्न श्रेणी के कार्य का का। खाने पीने का काम जो है कम हो जाएगा खाने पीने के काम को हम छोड़ देंगे मतलब खाएंगे ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे हम बला नहीं खाएंगे गंदी चीजें नहीं खाएंगे हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे कृष्ण प्रसाद पाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे गंदी चीजों को नहीं खाएंगे तो हमें ध्यान रखना है भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करेंगे लेकिन भी आपने यह मन बनाना है प्रभु मुझे तो आपसे मिलना है मैं तो प्रभु आपका हूं हे श्री कृष्ण मैं तो आपका हूं इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है इस संसार को मैंने छोड़ देना है मुंडूक तथा है, श्वेता श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया मुंडक और श्वेत शरा उपनिषद में इनमें से एक पक्षी अनुमात्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है देखो गुणों में एक समान हम हैं, हम भगवान के नमूने हैं लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं जैसे आप देखो कि उदाहरण दिया है कि समुद्र से कतरा पानी का लो उस पानी के कतरे को आप देखो रसायनशाला में जो समुद्र में गुण है वो पानी के कतरे में भी मिलेंगे लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है पानी का कतरा छोटा सा हमें और भगवान में अंतर है तो कृष्ण हमारे हर कार्य को देख रहे हैं सखा के रूप में किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है कृष्ण स्वामी है और हम भगवान के सेवक हैं अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है जब हम भगवान को भूल गए ना पक्षी एक शरीर से दूसरे वृक्ष में जा रहा है हम भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं यह कारण यह कि हम भगवान को भूल गए हैं संदेश यह है हम फिर से भगवान को याद करें जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्याधिक संघर्षशील है किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है मुंडक उपनिषद तथा श्वेत उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं तो हमें बातों को समझना है उसमें हमारा कल्याण है आप कृपया इन बातों को समझिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद